हेलो हेलो हेलो, आप देखते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज क्या देखेंगे? ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ हम एग्जांपल लिखे हैं, उसको हम स्वागत करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं रवि। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखे हैं, cos का पावर 6 थीटा प्लस sin का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, आई है राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब देखिए cos पावर 6 थीटा है प्लस sin पावर 6 थीटा, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्यूब में तोड़ सकते हैं ना। तोड़ेंगे इसे, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा पावर क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी आई कोष्टक में 1 प्लस बी। ठीक है, अब इसी का हम ऑर्डर रखते हैं, इसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस माइनस थ्री ए बी, थ्री इंटू ए। एक मान क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी का मान कितना है? साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक में ए प्लस बी। एक मान कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 पुट अप करते हैं, 3 1 का क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसके स्थान पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आगे, इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपको दिया है, इससे सॉल्व करना है ना, इसके माध्यम से इसको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, हम इसके क्या कर लेंगे? देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड से अब की सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से, ठीक है, हम देखिए सी की वैल्यू यहां पुट अप करते हैं। ठीक, इसमें क्या कर देंगे? सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे, करेंगे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। सी का वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू यहां पुट करते हैं, ए कॉस थीटा मा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तब इसके हम तोड़ देंगे ब्रेकेट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ए प्लस बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हम तोड़े हैं। ठीक है, अब इसे और तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखते हैं ए और ए क्या है, इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें, इसमें कॉमन ले लेते हैं,
ए स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ वन और यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें बी और बी वाले काम ले लेंगे इधर प्लस बी काम ले लेते हैं बी स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा कॉमन मतलब दोनों में जो मैच हो रहा है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे चूंकि जानते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन अब इसी से निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर यदि यही कॉस को साइन को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पुट अप कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं ए इसे हम क्या लिख सकते हैं इसको इस मॉडल लिख सकते हैं ना ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फार्मूला बन गया ए का मान कितना है ए साइन थीटा बी का मान कितना है बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना अंडर रूट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे क्या कर देंगे देखिए जब स्क्वायर आता है कोई चीज अंडर रूट रहता है तो वह स्क्वायर बाहर हो जाता है ना क्या हो जाएगा इसके ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये देखिए आपका राइट हैंड से सॉल्व किया हमें लेफ्ट हैंड साइड आ गया तब इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके,